बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह से ठीक होंगे। तो सुनाए जी, कैसा गुजर रहा है माशाल्लाह रमज़ान? रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही थी, क्योंकि वो अपना ऐलान कर दिया था रात को कि हफ्ते वाले दिन जो है वो शॉप खुल जाएंगी, बाज़ार खुल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हफ्ता तो दूर की बात है, आज ही काफ़ी शॉप्स जो थी वो ओपन हो गई थी। तो मैं कुछ क्रॉकरी वगैरह का सामान लेकर आई हूँ, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ किचन का, तो इसलिए तो आपसे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना मुझे। और आप जब कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस, तो मुझे और भी खुशी होती है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ें दिखाऊंगी वो है ये वाला, मैं लेकर आई हूँ सेट, लेकर आई हूँ ये 3 पीसेज हैं। ये देखें, ये लॉक वाला है, देखिए लॉक है इसका। तो 3 पीस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने तो कहा था कि आप ना भाई मुझे दे दें अपना पिंक में या रेड में, लेकिन ये येलो में भी अच्छा लग रहा था। वो कह रहे थे कि अभी येलो पिंक और रेड जो है वो ख़त्म हो गया, तो फिर अभी कह रहे हैं कि जो है ना वो बाज़ार फिर बंद कर दिए जाएंगे। तो मैंने गनीमत जानी कि मैंने कहा जल्दी से ले लूँ, ये नो के बाद में फिर मुझे जो है ना वो बहुत मुश्किल हो। और ये 3 पीसेस है, बड़ा पीसेस ये है। ये तो इसमें यह है कि बंदा आटा वगैरह गूंथ कर तो फ्रीज़र में रख सकता है, और ये हो गया कोई दही वगैरह या कोई रायता या कोई चीज़ भी आप रख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें, आप इसमें सालन भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि खाने की कोई चीज़ भी रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये है मसाले वाले जार, छोटी छोटी सी जो डिब्बियाँ हैं मसाले वाली, ये चीज़ें देखें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो पाइका इसको खोलो, ओपन करो इसे। अच्छा ये हो गया, ये देखिए इस तरह से मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने जल्दी से ले लिया। मैंने कहा भाई कह रहे हैं कि आप भी, हो सकता है कि ये शीशा है, ये चीज़ जो है ये शीशे की है और ढक्कन जो इसका वो प्लास्टिक का है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ना छोटा सा। तो ये देखें इसका कैप भी कितना प्यारा है, कितना प्यारा है इसका कैप, ये देखिए। ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, दोबारा से इसमें डाल दो बेटा। और इसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये सेट किचन के लिए, मैं वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो है कि शोकेस से जब कोई आता है घर में, कोई रिश्तेदार या कोई भी बहन भाई आता है, तो फिर ज़ाहिर है अंदर कमरे में जाना पड़ता है, उनके सामने अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैं इन्हें किचन में रखने के लिए, किचन के लिए लेकर आई हूँ ये सेट। और ये देखिए ये बहुत प्यारा मुझे सेट लगा है, उम्मीद कर रही हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, और माशाल्लाह से ये वर्दी भी है। तो ये देखें, इसके बाद आ जाती है भाई ये छोटा बॉल है, और इसका ये ढक्कन भी है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा है। इसको भी आप सालन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप घर में आम रूटीन में आप खाना खा रहे हो, जैसे हमारी फैमिली बहुत छोटी है, हम चार फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बच्चे और दो हम, तो इसलिए इसमें भी हमारा गुजारा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा पीस जो है ये वाला है, तो अगर कोई आए तो आप इसमें सालन वगैरह डाल सकते हैं। बड़े वाले डोंगा ये है, और इसका जो है वो ढक्कन, और इसको ये जो है वो आप रायता चटनी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है, इसके साथ में लेकर आई थी 12 प्लेटें, देखें। और इससे बड़ा साइज़ भी है, लेकिन वो कह रही थी कि आप ही वो ना आपको 2 दिन 1 दिन तक के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उनका घर जो है हमारे मोहल्ले में ही है। तो मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा, ये बहुत वज़नी भी है माशाल्लाह से, तो ये लेकर आई हूँ। और सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि मुझे बहुत प्यारा लगा, और ये वाले कप जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आए ब्लैक, तो ये देखिए। और साथ में मैं लेकर आई हूँ मसाले वाले जो अपना होते हैं वो इकट्ठे जो सेट होता है डिब्बे, वो लेकर आई हूँ। कल तो मैं लेकर आई थी, पहले मैं लेकर आई थी ये वाले ब्लैक कलर के, तो वो लकड़ी का स्टैंड था उसका, तो फिर वो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, तो वो कहने लगे अगर आपको पसंद है तो ठीक है, मैंने कहा आपको नहीं पसंद, कहने लगे अब ले आइए, तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होता। मैंने कहा मुझे लगता है कि इनको ना नहीं पसंद आए,
तो मैंने फिर आज उनको चेंज किया और ये देखें, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये चीज़ बहुत प्यारी मुझे लगी है। तो इसमें आप ये चाय भी सर्व कर सकते हो और बच्चों को जो है वो खाना भी दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये चाय के लिए, आप चाय के लिए ही इस्तेमाल करो। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में दो कप हो जाया करेंगे ताहा और फायका के, और साथ में मैं पराठा बनाकर और एग बनाकर रख दिया करूँगी। आपको ज़रूरी नहीं होता कि ट्रे को आप एक ही इस्तेमाल में लाएं, यानी कि चाय के ही सिर्फ। हाँ वो भी दिखाओ मुझे गिलास, ये वाले गिलास दिखाओ मुझे। और ये देखें, ये भी लेकर आई थी मैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। कोई डिफरेंट, पहले मेरे पास जो थे ना वो सारे ग्लास थे वो वाइट हैं, तो डिज़ाइनिंग में लेकिन वाइट कलर में पड़े हुए हैं, तो शोकेस में पड़े पड़े ना वो ऐसा लगता है जैसे शोकेस खाली है मेरा। तो मैं इस तरह से ये चीज़ें लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद इसका ना ये आया। कलर थोड़ा सा मुझे गहरा डार्क लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह से, जो भी मेरी किस्मत में है और जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी ये देखिए, ये चीज़ है, ग्लास है और जग जो है वो मेरे पास रेड कलर का पड़ा हुआ है, उसका रेड ढक्कन है और डिज़ाइनिंग है थोड़ी थोड़ी सी, तो ये देखिए। और इसके बाद जो है वो मैं दिखा चुकी हूँ। हाँ, सबसे अहम चीज़ मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा ये लाजमी आपने दिखाना है, लंच बॉक्स लेके आई हूँ मैं ताहा और फायका का। और सुना है कि स्कूल जो है वो तो फिर और ही लंबी छुट्टियाँ हो गई, बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, तंग तो जो वो करते हैं बच्चे छोटे तंग करते हैं, लेकिन सबसे चीज़ ये है कि उनकी पढ़ाई, उनका साल ज़ाया हो जाएगा। कुरान पाक का कितना हर्ज हो रहा है, वो भी नहीं पढ़ने जा रहे, तो घर में बच्चे पढ़ते भी नहीं है, जितना मर्जी कर लो लेकिन नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ते हैं मामा बस पढ़ लिया अब जाएं, तो मार भी नहीं सकते, मारने को दिल भी नहीं करता। बच्चे हैं ज़ाहर, हमने भी बचपन गुजारा है, हमने हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें मारा नहीं था। मेरी अम्मी कहती है बेटा आप लोगों ने ना हमें कभी तंग नहीं किया था। तो अल्लाह जनसीब करे मेरी अम्मी आई तो मेरी मैंने ना ताहा को फायका को ना मैंने इसने पता नहीं क्या किया, मुझे याद नहीं है, तो मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ भी काफ़ी ज़ोर से लग गया। तो मेरी अम्मी कहने लगी मैं तुमको ऐसे मारती थी बचपन में, ऐसे मारती जैसे तुम इन बच्चों को मारती हो। मैंने कहा अम्मी तंग कर रहे हैं, अम्मी कह रहे हैं आप भी तंग करते थे, लेकिन ये है कि आप इतने तंग नहीं करते थे जितना आजकल आप तुम्हारे बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा अम्मी फिर आपको बताए ना कि फिर ये कितने तंग कर रहे हैं, आपने तो अपनी आंखों से देख लिया ना कि मुझे कितना तंग करते हैं। तो बड़ों की बातें याद रह जाती हैं, वो चले जाते हैं, सबको जाना होता है, तो जाहिर है जो आया है उसने जाना है। तो मुझे आज अम्मी की बातें याद आती हैं, बहुत पुरानी पुरानी बहुत, तो वाकई हमारे जो बड़े हैं उनकी बातें सच होती हैं और हमें माननी भी चाहिए। जिसने उनकी बड़ों की बात मान ली समझ लो उसने जन्नत खरीदी, और जिसने नहीं मानी उसका तो अल्लाह भला करे, फिर अल्लाह ही मालिक है। और इसके साथ ही मेरा आज का ये व्लॉग, आपको मेरी आज की सब चीज़ें पसंद आई हो तो मुझे बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद आई क्या नहीं पसंद आई। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, आप सबको, और ख़ास तौर पर ये कोरोना वायरस से अल्लाह ताला सबको निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दिल करे तो कर लें, दिल करे तो ना करें। और मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।